हेलो फ्रेंड्स, मैं मुनेश कुमार गौतम। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एरर्स इन चेनिंग। इस क्लास में हम ये सीखेंगे कि चेनिंग के अंदर किस प्रकार एरर आते हैं और चेनिंग के अंदर कितने प्रकार के एरर होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम एरर इन चेनिंग की क्लास, और ये क्लास आपको भातु ई लर्निंग पोर्टल की तरफ से दी जा रही है। एरर इन चेनिंग अराइज ड्यू टू फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट और ड्यू टू केयरलेस एंड बैड वर्किंग एंड आल्सो ड्यू नेचुरल इफेक्ट्स। यानी कि जो हमारी चेनिंग है उसके अंदर जो एरर है वो फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट की वजह से आता है और केयरलेस एंड वेट वर्क की वजह से आता है एंड नेचुरल इफेक्ट की वजह से आता है। यानी कि इस लाइन का ये तात्पर्य हुआ कि जब हम चेनिंग करते हैं तो अगर हमारा फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट में कोई कमी है, तो हमारी चेनिंग के अंदर एरर आएगा। सेकेंड पॉइंट इसके अंदर बोलता है कि जब हम चेनिंग करते हैं तो चेनिंग करते वक्त हम थोड़े आलसी हो जाते हैं, केयरलेस हो जाते हैं या फिर बैड वर्किंग यानी कि हम कुशल कारीगर नहीं हैं, हमें चेनिंग अच्छी तरीके से करने नहीं आती है, तो हम क्या कर देते हैं, बैड वर्किंग कर देते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, चेनिंग के अंदर एरर आता है। और इसके बाद जो इसके अंदर तीसरा पॉइंट है, नेचुरल इफेक्ट, यानी कि जब हम चेनिंग करते हैं तो जो नेचुरल इफेक्ट है जैसे कि हम कहें टेम्परेचर और स्टॉर्म, इनकी वजह से भी चेनिंग करते वक्त उसके अंदर एरर आ जाता है। तो आइए आगे चलते हैं। देयर फॉर डिवाइडेड इंटू द फॉलोइंग थ्री टाइप्स। यानी कि जो हमारे एरर हैं चेनिंग के अंदर वो तीन तरह के हैं। आप यहाँ पे इमेज देख सकते हैं चेन की, जो चेन है दिखने में इस तरीके से दिखती है। फर्स्ट एरर हमारा चेनिंग करते वक्त जो आता है उसे हम कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। सेकेंड एरर जो हमारा आता है उसे हम कहते हैं नेचुरल एरर, और थर्ड जो हमारा एरर आता है उसे हम कहते हैं पर्सनल एरर। यानी कि चेनिंग करते वक्त हमारे पास तीन एरर आने की संभावना है। फर्स्ट इंस्ट्रूमेंटल एरर, सेकेंड नेचुरल एरर एंड थर्ड पर्सनल एरर। आइए आगे चलते हैं। अब हमारे को ये जानना जरूरी है कि इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या है, नेचुरल एरर क्या है और पर्सनल एरर क्या है। तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर के बारे में। दे अकर ड्यू टू फॉल्टी एडजस्टमेंट और इम्परफेक्शन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट और डिवाइस सच एज चेन और टेप मे बी टू लॉन्ग और टू शॉर्ट। यानी कि आपको इस एरर को जानने से पहले जब आप इसका नाम पढ़ेंगे इंस्ट्रूमेंटल एरर, यानी कि ये एरर किसकी वजह से आया है, इंस्ट्रूमेंट की वजह से आया है, तो वो कारण क्या है कि इंस्ट्रूमेंट की वजह से एरर आया है, तो वो कारण ये है कि जब इंस्ट्रूमेंट के अंदर फॉल्टी एडजस्टमेंट यानी कि जब हम एडजस्ट करते हैं अपने इंस्ट्रूमेंट को चेनिंग करने के लिए, तो उस वक्त हमारे इंस्ट्रूमेंट में कुछ फॉल्ट होता है या फिर इम्परफेक्शन, या फिर हम वो इंस्ट्रूमेंट को ठीक तरीके से परफेक्ट प्रयोग नहीं कर पाते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारे चेनिंग के अंदर एरर आता है। तो जो एरर प्रोड्यूस हो रहा है इंस्ट्रूमेंट की वजह से उसे हम इंस्ट्रूमेंटल एरर कह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप चेन या टेप लेते हैं, तो क्या होगा, चेन और टेप में फॉल्टी एडजस्टमेंट या इम्परफेक्शन के कारण जो हमारी चेन है वो लंबी हो जाती है या वो छोटी हो जाती है, तो उसकी वजह से जो
एरर आएगा वो हमारा इंस्ट्रूमेंटल एरर आएगा। और बच्चों एक बात आपको याद रखनी है कि चैन और टेप हमारे इंस्ट्रूमेंट है और इनके अंदर एरर आने की वजह से हमने इसको इंस्ट्रूमेंटल एरर कहा। आप यहाँ पे चैन देख सकते हैं, इस चैन के अंदर इंस्ट्रूमेंटल एरर आया, यानी कि ये चैन लंबी भी हो सकती है और छोटी भी हो सकती है, ठीक है, किस कारण की वजह से, फॉल्टी एडजस्टमेंट और इम्परफेक्शन की वजह से। आइए नेक्स्ट एरर की बात करते हैं, नेचुरल एरर। दे अराइज ड्यू टू वेरिएशन इन द फिनोमेनन और नेचर सच एज टेम्परेचर एक्सेट्रा। यानी कि जब चेनिंग आप कर रहे हैं और उसके अंदर नेचुरल एरर आ रहा है तो उसके एरर आने का कारण है क्या, नेचर यानी कि प्रकृति, और प्रकृति के अंदर कौन सी एजेंसी है, वो है टेम्परेचर। यानी कि क्या होता है कि जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर की वजह से जो चेन है वो लॉन्ग और शॉर्ट दोनों तरीके से हो सकती है, इसीलिए हम इसे कहेंगे नेचुरल एरर, क्योंकि इस चैन के अंदर जो एरर आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, टेम्परेचर, और टेम्परेचर क्या है, नेचुरल एजेंसी, ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारा आता है पर्सनल एरर। पर्सनल एरर क्या होता है, दे आर ड्यू टू चेन और टेप नॉट बीइंग स्ट्रेट और अप्लाइंग डिफरेंट टेंशन इन द चेन देन द स्टैंडर्ड वन एसईटीसी। यानी कि पर्सनल एरर चेनिंग के अंदर उस वक्त आता है, मान लीजिए आप चेनिंग के लिए चेन ले लेते हैं और या फिर टेप ले लेते हैं, जब आप चेनिंग में यूज कर रहे हैं टेप या चेन, तो अगर आप उसको बिल्कुल स्ट्रेट नहीं लेते हैं चेन को या टेप को, या फिर आप उसके अंदर अलग अलग टेंशन अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है आपकी चेन, तो क्या होगा, उसके अंदर एरर आने की संभावना है। तो ये एरर किसके वजह से आया, ये एरर बैड वर्किंग की वजह से आया, यानी कि जो चेनिंग कर रहा है मनुष्य वो केयरलेस हो गया, उसने बैड वर्क करा किसके द्वारा, चेन के द्वारा, यानी कि इस समय हमारे इंस्ट्रूमेंट के अंदर कोई कमी नहीं थी, परंतु चेनिंग करते वक्त जो वर्क, जो मैन कार्य कर रहा है उसकी वजह से एरर आया है, इसलिए इसे हम पर्सनल एरर कहेंगे। दीज आर एरर आल्सो क्लासिफाई एज। अगर हम बात करें जो हमारा पर्सनल एरर है उसको हमने क्लासिफाई कर रखा है, फर्स्ट द कंपनसेटिंग एरर आर दोज विच अकर्स इन आइदर डायरेक्शन एंड टेंड्स टू कंपनसेट एट द एंड। देखिए पर्सनल एरर जो है उसके अंदर दो तरह के एरर हैं। फर्स्ट एरर जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, कंपनसेटिंग एरर्स। कंपनसेटिंग एरर्स क्या होता है, ये एरर जो है दोनों डायरेक्शन में होता है, यानी कि कंपनसेटिंग एरर क्या है, वो दोनों डायरेक्शन यानी दिशाओं में होता है, ठीक है। इसके अंदर जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि दे डू नॉट इफेक्ट द सर्वे सीरियसली, यानी कि जो हमारा कंपनसेटिंग एरर है उसका प्रभाव सर्वे में बिल्कुल भी नहीं पड़ता, हम कंपनसेटिंग एरर को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेते हैं। तो आपको ये बात याद रखनी है कि जो कंपनसेटिंग एरर है वो दोनों डायरेक्शनों में होता है, ठीक है, और दूसरी बात ये कि हम इस एरर को सीरियसली नहीं लेते हैं। अब आइए बात करते हैं सेकंड एरर की, पर्सनल एरर के अंदर उसे हम कहते हैं कुमुलेटिव एरर्स। पर्सनल एरर के अंदर जो सेकंड एरर है कुमुलेटिव एरर्स, वो एरर क्या है, तो द कुमुलेटिव एरर्स आर दोस विच अकर्स इन वन डायरेक्शन ओनली एंड गो ऑन कुमुलेटिंग। यानी कि जो कुमुलेटिंग एरर है वो इस तरीके का एरर है जो कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होता है। तो आप यहाँ पे अंतर भी समझ चुके होंगे कि कंपनसेटिंग एरर और कुमुलेटिव एरर्स में क्या है, ठीक है, जो कंपनसेटिंग एरर है उसमें दोनों डायरेक्शन के अंदर क्या होता है, एरर आता है, और क्या बोलते हैं
इसका इफेक्ट सीरियस नहीं होता है, बट कुमुलेटिव एरर्स के अंदर जो एरर है वो वन डायरेक्शन के अंदर ही आता है केवल, और इसका जो इफेक्ट है काफी सीरियस होता है। पढ़ते हैं हम लाइन की, दे हैव गॉट अ सीरियस इफेक्ट ऑन द एक्यूरेसी ऑफ द सर्वे वर्क, यानी कि जो कुमुलेटिव एरर्स है इसका जो प्रभाव है काफी सीरियस पड़ता है सर्वे वर्क की एक्यूरेसी पर। आइए आगे चलते हैं। द एरर इन चेनिंग आर्स रिगार्डेड एज पॉजिटिव एंड नेगेटिव अकॉर्डिंग एज दे मेक द रिजल्ट टू ग्रेट एंड टू स्मॉल, यानी कि जो हमारा कुमुलेटिव एरर्स है जब हम चेनिंग करते हैं तो उसमें जो एरर है पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है। पॉजिटिव कब आएगा? जब हमारा रिजल्ट टू ग्रेट यानी बड़ा आएगा, यानी कि जब मान लीजिए आप चेनिंग करते हैं तो चेनिंग करते वक्त लेंथ का बढ़ना यानी कि पॉजिटिव एरर, और लेंथ का घटना यानी कि नेगेटिव एरर यानी कि स्मॉल। आइए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं सोर्स ऑफ एरर एंड देयर प्रिवेंशन, यानी कि जो हमारे एरर है उनके सोर्स क्या है, उनके संसाधन क्या है, वो कहां से आ रहे हैं, और उसके बाद उनसे बचा कैसे जाए। देखिए, जब हमने पता कर लिया कि हमारे एरर इन वजहों से आ रहे हैं तो फिर हमें आवश्यकता पड़ेगी कि हम इन एरर के बचाव को भी ढूंढें। फर्स्ट हमारा है इनकरेक्ट लेंथ ऑफ चेन और टेप। अब देखिए, ये जो एरर है इसमें बोला है इनकरेक्ट लेंथ ऑफ द चेन और टेप, यानी कि जो आप चेन प्रयोग कर रहे हैं, जो आप टेप प्रयोग कर रहे हैं, उसकी लेंथ इनकरेक्ट है। तो इस कंडीशन में आपका जो एरर है वो पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है। आइए इसके बारे में पॉइंट पढ़ते हैं। द चेन और टेप मैनी आइदर बी टू लॉन्ग और टू शॉर्ट एंड द एरर इन लेंथ ऑफ द लाइन इज नेगेटिव पॉजिटिव करेक्टली। इस लाइन का अर्थ ये हुआ कि जब आप चेन और टेप को प्रयोग करते हैं तो जो आपकी चेन या टेप है वो लंबी भी हो सकती है और वो छोटी भी हो सकती है। तो इससे क्या होगा, आप जिस लाइन की लेंथ मेजर कर रहे हैं उसके अंदर एरर आ सकता है, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। दिस इज द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ एरर इन चेनिंग। जो इनकरेक्ट लेंथ ऑफ चेन और टेप है ये बहुत ज्यादा सीरियस एरर है जो कि चेनिंग के अंदर आता है। अब बात करते हैं इसको इलिमिनेट कैसे करें, इसको खत्म कैसे करें। तो दिस मे बी इलिमिनेटेड आइदर बाय स्टैंडर्डाइजिंग द चेन बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द सर्वे और बाय अप्लाइंग करेक्शन टू मेजर डिस्टेंस बाय यूज ऑफ फॉर्मूला। यानी कि इनकरेक्ट लेंथ ऑफ चेन और टेप से जो पैदा हुआ है एरर, आप उसको इलिमिनेट, उसको खत्म कर सकते हैं सबसे पहले जब आप यूज करेंगे स्टैंडर्डाइजिंग द चेन, यानी कि जो हमारी चेन होगी उसकी करेक्ट लेंथ होगी तो आपका जो एरर है वो इलिमिनेट हो जाएगा। और उसके बाद दूसरा पॉइंट यह है, अगर आपका एरर आ भी जाता है तो उसके बाद आप किस तरीके से अपने एरर को सही कर सकते हैं, तो आप इस फॉर्मूले का यूज कर एरर को खत्म कर सकते हैं। यानी कि आपको क्या चाहिए, ट्रू डिस्टेंस चाहिए, और उस जिस चेन से जो इनकरेक्ट चेन है उस चेन से आपने जो मेजर करी है डिस्टेंस वो आपको लिखनी है और मल्टीप्लाई कर देनी है जो इनकरेक्ट लेंथ है चेन की उसको, फिर उसे डिवाइड कर देना है करेक्ट लेंथ जो है चेन की उससे। तो यहाँ पे आप फॉर्मूला देख सकते हैं, और इस वीडियो को देखने से पहले आप हमारे वहातु चैनल पे देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने न्यूमेरिकल सॉल्व कर रखा है जब इनकरेक्ट लेंथ की वजह से, इनकरेक्ट लेंथ ऑफ चेन और टेप की वजह से एरर आता है। ठीक है, तो हमने वहां पर आपको सिखा रखा है कि किस तरीके से आप एरर को इलिमिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, द चेन गेटिंग आउट ऑफ लाइन ड्यू टू रॉन्ग रेंजिंग। अब जो हमारा सेकेंड एरर है, इन्होंने बोला कि द चेन गेटिंग आउट ऑफ लाइन ड्यू टू रॉन्ग रेंजिंग। जो हमारी चेन है
वो अपनी लाइन से बाहर चली जाती है। किस वजह से? जब रेंजिंग गलत हो जाती है तो उस वक्त जो हमारा एरर है वो किस तरह का आता है? पॉजिटिव आता है। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है कि किस तरह के एरर के अंदर हमारे किस तरह के हमारे नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट आ रहे हैं। ठीक है, जैसे कि हमने इससे पहले जो पढ़ा फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, उसके अंदर प्लस और नेगेटिव दोनों तरह के एरर आ रहे थे, परंतु जो हमारा सेकंड है द चेन गेटिंग आउट ऑफ लाइन ड्यू टू रॉन्ग रेंजिंग, यानी कि जो चेन है वो आउट ऑफ लाइन चली जाती है गलत रेंजिंग की वजह से, तो उसके अंदर हमेशा पॉजिटिव एरर ही आएगा, क्यूमुलेटिव पॉजिटिव। आइए पढ़ते हैं इसके बारे में कि ये होता कैसा है। इफ द रेंजिंग इज रॉन्ग द चेन विल बी स्ट्रेच आउट ऑफ लाइन मेजरिंग मोर डिस्टेंस देन द रियल वन दस मेकिंग द एरर पॉजिटिव। इस लाइन का अर्थ ये हुआ कि जब आप रेंजिंग करते हैं तो वो गलत हो जाती है। क्या होता है? जब आप चेनिंग कर रहे हैं तो आपकी जो चेन है वो स्ट्रेच हो जाती है, स्ट्रेच मीन खिंच जाती है, आउट ऑफ लाइन यानी लाइन से बाहर खिंच जाती है। जब आप देखेंगे जिस लाइन को आपको चेनिंग करनी है उस लाइन की चेनिंग ना होकर उस लाइन से आउट आपकी चेनिंग हो जाती है, तो खुद ब खुद क्या होगा? डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी तो इससे क्या होगा? जो हमारा एरर आएगा वो पॉजिटिव आएगा। नेक्स्ट पॉइंट, द एरर इज नॉट कंसिडर्ड टू बी सीरियस इफ ओनली द लेंथ ऑफ लाइन इज नीडेड बट इट बिकम्स वेरी सीरियस इफ ऑफसेटिंग ऑल्सो हैज टू बी डन। अब इस पॉइंट ने ये कहा कि ये जो एरर है इसको हम सीरियस नहीं लेंगे। किस कंडीशन में? जब बात करते हैं हम सिर्फ लेंथ ऑफ लाइन, जब हमें बात करनी है कि हमें एक लाइन की लेंथ चाहिए, ठीक है, उस वक्त एरर आ जाए तो हम इसे सीरियस एरर नहीं मानेंगे। परंतु जब हमें आवश्यकता हो ऑफ सेटिंग में और ऑफ सेटिंग करते वक्त जब ये एरर आ जाए तो उस समय ये सीरियस एरर माना जाएगा। इस पॉइंट को आप ध्यान रखना। नेक्स्ट, दिस कैन बी रिमेडाइड बाय केयरफुल रेंजिंग। अब इसको इलिमिनेट, इसको खत्म कैसे करा जा सकता है इस एरर को? तो इस एरर को खत्म करा जा सकता है जब आप बहुत ही केयरफुली सावधानी पूर्वक रेंजिंग करेंगे। आइए, चेन और टेप नॉट बीइंग स्ट्रेट। अब देखिए ये जो थर्ड टाइप का एरर है इसमें क्या है कि आपकी जो चेन है या टेप है वो स्ट्रेट नहीं होगी तो आपका एरर आएगा। वो एरर किस तरीके का होगा? वो एरर होगा पॉजिटिव। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। व्हाइल चेनिंग थ्रू ग्रास बुश और व्हेन बाइंड स्टॉर्म इज ब्लोइंग द चेन और टेप कैन नॉट बी स्ट्रेच स्ट्रेट। यानी कि जब आप चेनिंग करते हैं घास के मैदानों से, बुश मतलब झाड़ियों से, या फिर उस समय आप चेनिंग कर रहे हैं जिस समय तूफान चल रहा है, तो क्या होता है आपकी जो चेन और टेप है वो स्ट्रेच नहीं हो पाती है, वो स्ट्रेट स्ट्रेच नहीं हो पाती है, खिंच नहीं पाती है, तो उससे क्या होता है आपके चेनिंग में एरर हो जाता है और जो एरर आता है वो पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट पॉइंट, द इफेक्ट विल बी द सेम एज द व्हाइल मेजरिंग विद द चेन और टेप विद इज टू शॉर्ट। इसने बोला कि जब हम इन कंडीशन में चेनिंग करते हैं चेन या टेप से तो दोनों में क्या होता है, चेनिंग करते वक्त जो मेजर डिस्टेंस है वो शॉर्ट आनी है, बिल्कुल आनी है, क्योंकि जब हम देखेंगे ग्रास यानी घास के मैदान हो गए, ठीक है, बुश यानी झाड़ियां हो गई, या वाइंड स्टॉर्म यानी कि हमारा तूफान हो गया, तो उस समय जब हम चेनिंग करते तो हमारी चेन स्ट्रेट नहीं होगी, स्ट्रेट नहीं होगी तो खुद ब खुद उसकी लंबाई घट गई, तो हम कह सकते हैं एरर जो हमारा क्या है यहाँ पे, जो चेन और टेप है उससे जो हम मेजरिंग कर रहे हैं डिस्टेंस वो छोटी आएगी, शॉर्ट आएगी, ठीक है, परंतु इसमें एरर क्या होगा? पॉजिटिव होगा। उसके बाद द एरर इज ऑलवेज पॉजिटिव, यानी चेन और टेप जो है जब स्ट्रेट नहीं हो रही है तो इसके अंदर एरर क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। अब उसके बाद आगे पढ़ते हैं, दिस कैन बी मिनिमाइज बाय अप्लाइंग द प्रॉपर पुल एंड क्लियरिंग द ऑब्स्टिकल्स। अब इस एरर को इलिमिनेट हम कर सकते हैं किस तरीके से? कि हम प्रॉपर पुल यानी कि पूरी तरीके से चेन को खींच कर रखें एंड क्लियरिंग द ऑब्स्टिकल्स, और जो बीच में रुकावटें आती है जैसे कि ग्रास है, बुश है, वाइंड स्टॉर्म है, इनको खत्म कर सकें, तो इस तरीके से हम इस एरर से छुटकारा पा सकते हैं।
नेक्स्ट सैग इन द चेन और टेप। अब बात आती है कि जो आपका चेन है और टेप है, जब उसके अंदर सैग आ जाता है तो आपके चेनिंग में एरर पैदा होता है। तो जब आपकी चेन और टेप में सैग आएगा तो आपका एरर कौन सा होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। दिस टाइप ऑफ एरर जनरली अकर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ स्टेपिंग ऑन स्लोपिंग ग्राउंड। यानी कि जो सैग आती है हमारी चेन और टेप में, वो कब आती है? तो इस तरह के जो एरर है जनरली उस वक्त आते हैं जब हम स्टेपिंग प्रोसेस करते हैं। कहां पर करते हैं स्टेपिंग प्रोसेस? स्लोपिंग ग्राउंड में। यानी कि स्लोपिंग ग्राउंड है, वहां पे स्टेपिंग प्रोसेस से जब हम डिस्टेंस मेजर करते हैं तो वहां पे क्या होता है? चेन के अंदर सैग आ जाता है, जिस कारणवश क्या होता है? एरर पैदा हो जाता है। नेक्स्ट, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। जब सैग होगा आपकी चेन और टेप में तो समझ लीजिए कि जो आपका एरर है वो पॉजिटिव होगा। उसके बाद दिस कैन बी मिनिमाइज बाय। अब बात करते हैं कि इस एरर को खत्म कैसे करा जाए। तो दिस कैन बी मिनिमाइज बाय डिक्रीजिंग द लेंथ ऑफ स्टेप एंड पुलिंग द चेन फर्मली। यानी कि इस एरर को खत्म करने का हमारे पास एक ही तरीका है कि जो आप स्टेप ले रहे हैं, ठीक है, लेंथ ऑफ स्टेप जो है उनको डिक्रीज यानी कम रखें और आप अपनी चेन को पुलिंग यानी खींच कर रखें, तो ये जो सैग की प्रॉब्लम है बिल्कुल नहीं आएगी। ठीक है, नेक्स्ट वेरिएशन इन टेम्परेचर। अब जब बात करते हैं वेरिएशन इन टेम्परेचर में, तो यानी कि ये जो एरर है ये टेम्परेचर की वजह से आ रहा है, और ये टेम्परेचर की वजह से एरर आ रहा है, तो इसके अंदर हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के एरर मिलेंगे। आइए बात करते हैं इसके बारे में। द लेंथ ऑफ चेन और टेप चेंज व्हेन इट यूज्ड एट अ डिफरेंट टेम्परेचर फ्रॉम दैट एट विच इट वाज कैलिब्रेटेड। यानी कि जो चेन है और टेप है उसकी लेंथ कब बदलती है? जब आप चेन के अंदर उसके तापमान में विभिन्नता पाते हैं। ठीक है, यानी कि अगर हमारी चेन है उसके तापमान में विभिन्नता पाई जाएगी तो हमारी चेन जो है उसकी लंबाई बदलती नजर आएगी। नेक्स्ट पॉइंट है द लेंथ ऑफ चेन इंक्रीज ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर एंड डिक्रीज ड्यू टू फॉल इन टेम्परेचर मेकिंग द एरर नेगेटिव एंड पॉजिटिव रिस्पेक्टिवली। इसने कहा कि जब हमारी चेन है उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाती है तो समझ लीजिए वो किसके वजह से हुई है कि जो टेम्परेचर है वो राइज हो गया है। जो हमारा टेम्परेचर है चेन का, राइज होने पर चेन की लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, और चेन का टेम्परेचर हाई होने का कारण क्या है? इन्वायरमेंट का टेम्परेचर। और जब चेन का टेम्परेचर डिक्रीज होता है, ठीक है, या गिरता है, तो क्या होता है? हमारी चेन की लेंथ डिक्रीज हो जाती है। सिंपल सी बात है, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो चेन की लेंथ भी इंक्रीज होगी, अगर टेम्परेचर घटेगा तो चेन की लेंथ भी डिक्रीज होगी। ठीक है, और इसमें जो हमारे एरर है नेगेटिव एंड पॉजिटिव आएंगे। नेक्स्ट, फॉर माइनर चेंज इन टेम्परेचर इट इज नेग्लेक्टेड बिकॉज अ चेंज ऑफ 50 डिग्री फारेनहाइट इन टेम्परेचर विल प्रोड्यूस अ चेंज इन लेंथ ऑफ अबाउट 0.01 लिंक ओनली फॉर अ 100 लिंक चेन। अब ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है। इन्होंने कहा जब माइनर चेंज आता है टेम्परेचर की वजह से तो उसे हम नेगलेक्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जब भी बदलाव आता है 15 डिग्री फारेनहाइट का, जब भी तापमान में बदलाव आता है 15 डिग्री फारेनहाइट का, तो जो चेन लेंथ है, जो चेन की लेंथ है वो चेंज हो जाती है, और जो अनुमान लगाया गया है कि जो हमारी 100 लिंक की चेन है उस 100 लिंक की चेन का जब 15 डिग्री फारेनहाइट टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उसकी लंबाई 0.01 लिंक बढ़ जाती है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, हाउ एवर व्हेन ग्रेट एक्यूरेसी इज रिक्वायर्ड करेक्शन हैज टू बी अप्लाइड। यानी कि अगर हमें ग्रेट एक्यूरेसी चाहिए तो हमें जो करेक्शन है उसको अप्लाई करना पड़ेगा।
नेक्स्ट हमारा जो एरर है वेरिएबल टेंशन इन द चेन। अब देखिए जो ये एरर है ये किसकी वजह से आ रहा है, वेरिएबल टेंशन यानी विभिन्न प्रकार की जो तनाव है चेन के अंदर उनकी वजह से, और जो एरर होंगे वो पॉजिटिव और नेगेटिव होंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें कि इफ द पुल अप्लाइड एट द एंड ऑफ चेन इज ग्रेटर देन द स्टैंडर्ड पुल द लेंथ इंक्रीज व्हाइल इफ इट इज लेस द लेंथ विल बी डिक्रीज। इसमें ये कहा गया है कि आपको एक चेन दी गई है और एक आपको बताया गया है कि इतना स्टैंडर्ड पुल है, इसको इतना खींचना है। जब आप उस स्टैंडर्ड पुल से ज्यादा खींच देते हैं चेन को तो क्या होगा, लेंथ इंक्रीज हो जाती है, और उससे कम खींचते हैं तो क्या होता है, लेंथ डिक्रीज हो जाती है। तो आपको चेन को खींचने का भी स्टैंडर्ड पता होना चाहिए। नेक्स्ट, द एरर मे बी नेगेटिव और पॉजिटिव एंड इज जनरली नेग्लेक्टेड फॉर ऑर्डिनरी सर्विस। ठीक है, इस तरह के जो एरर हैं वो नेगेटिव और पॉजिटिव होते हैं और उनको हम नेगलेक्ट भी कर सकते हैं। किस कंडीशन में, जब ये ऑर्डिनरी सर्वे में आए हो एरर। नेक्स्ट पॉइंट है इट कैन बी प्रिवेंट बाय अप्लाइंग ओनली द डिजायर स्टैंडर्ड पुल। अब इसका समाधान क्या है एरर का, इस एरर का समाधान है कि आप इस एरर से बच सकते हैं जब आप जो स्टैंडर्ड पुल चेन है, ठीक है, उसके अंदर जो टेंशन प्रोवाइड किया गया है यानी कि स्टैंडर्ड पुल जो प्रोवाइड किया गया है हम उसको यूज करें, तभी हम इस समस्या से बच सकते हैं। हमें पता होना चाहिए कि हमें कितना स्टैंडर्ड कितना खींचना है।